कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता? कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज के इस वीडियो सेशन में मैं अपनी तैयारी के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आप लोगों से साझा करने आया हूँ। शायद ये बिंदु आप लोगों के लिए भी उपयुक्त हो सके। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं जब तैयारी करता था तो उस तैयारी में से मैं जो सबसे पहला पॉइंट आप लोगों को बताना चाहूँगा वो ये है कि मैं हमेशा नियमित रूप से पढ़ाई करता था। तो आप लोग भी अपनी तैयारी में नियमित रहें, नियमित रूप से पढ़ाई करें। भले ही आप लोगों ने किसी दिन 8-10 घंटे पढ़ने का मानस बनाया हो, उसमें से आप 6 घंटे पढ़ें, 5 घंटे पढ़ें, लेकिन अपनी तैयारी में नियमितता रखें, रेगुलरिटी रखें, तभी आप सफलता को प्राप्त कर पाएंगे। दूसरा जो बिंदु मैं यहाँ पर इंक्लूड करना चाहूँगा वो ये है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करें। आप जब भी पढ़ने बैठें, आपके सामने आपका सिलेबस होना चाहिए, जो सिलेबस के 4-5 पेज हैं वो आपके सामने रहें और उसी अकॉर्डिंग आप पढ़ते चले जाएं। ऐसा नहीं हो कि आप सिलेबस से भटक कर कोई दूसरी चीज़ें पढ़ने बैठ गए हैं और आपको पता ही नहीं है कि सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक हैं। तो बिल्कुल आप सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज टॉपिक निशान लगाते हुए पढ़ाई करेंगे तो आप बिल्कुल सफल हो जाएंगे। तीसरा बिंदु जो मैं यहाँ पे लेना चाहूँगा वो ये है कि आप अपना टाइम टेबल बनाएंगे कि आप लोगों को किस प्रकार से पढ़ाई करनी चाहिए, और टाइम टेबल में भी जो सुबह के आवर्स है उसमें आप ज़्यादा पढ़ाई करेंगे, क्योंकि सुबह पढ़ा हुआ ज़्यादा याद रहता है मेरे हिसाब से। ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि सुबह पढ़ा हुआ मेरे को ज़्यादा याद रहता है, तो हो सकता है कि आप लोगों को भी ज़्यादा याद रहे। तो आप अपनी दिनचर्या के हिसाब से अपना टाइम टेबल सेट कर सकते हैं और उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई को बिल्कुल कंटिन्यूअसली रखें, कंटिन्यूअसली करें। चौथा पॉइंट मैं यहाँ पे लेना चाहूँगा कि सबसे पहले आप थ्योरी पर ध्यान दें, थ्योरी को काफ़ी अच्छे ढंग से पढ़ें। हो सके तो आप अपने खुद के नोट्स प्रिपेयर करें, किसी दूसरे के नोट्स ना पढ़ें। फिर से मैं इस पॉइंट को हाईलाइट करना चाहूँगा कि किसी दूसरे के नोट्स आप ना पढ़ें, सारे A to Z नोट्स आप खुद अपने हाथों से पेन कॉपी लेकर प्रिपेयर करें, तो वो आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि खुद के बनाए हुए नोट्स हमें ज़्यादा समझ में आएंगे और ज़्यादा याद रहेंगे। थ्योरी को आप सबसे पहले पढ़ेंगे और हर एक टॉपिक खत्म होने के बाद आप उस टॉपिक से रिलेटेड MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जो हमारा एग्जामिनेशन का मोड है, उसे भी करेंगे। यानी हर टॉपिक के बाद आपको बहुविकल्पी प्रश्न भी करने हैं। मैं अपने यूट्यूब चैनल पर हर एक टॉपिक वाइज बहुविकल्पी प्रश्न भी डाल रहा हूँ और टॉपिक की थ्योरी भी डाल रहा हूँ, आप वहाँ से भी मदद ले सकते हैं। आगे के पॉइंट में मैं ये बताना चाहूँगा कि आप हमेशा हर सप्ताह अपनी तैयारी को चेक करें कि आपने किस प्रकार की तैयारी की है। हर सप्ताह आप अपना खुद का टेस्ट लें, हर सप्ताह ये देखें कि आपने कितना पढ़ा है और उस पढ़ाई में से आपको कितना याद रहा है। तो आप एक खुद का टेस्ट भी ले सकते हैं और उस टेस्ट के लिए आप किसी भी बायोलॉजी की मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की बुक को रेफर में ले सकते हैं। बाज़ार में NCERT से बेस्ड या NCERT पे बेस्ड बहुत सारी मल्टीपल चॉइस की किताबें आपको मिल जाएगी, जिसमें NCERT बायोलॉजी से बेस्ट बायोलॉजी पर क्वेश्चंस बनाए हुए हैं, वो क्वेश्चंस आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल रहेंगे। अगले पॉइंट में मैं लेना चाहूँगा कि आप पुराने पेपर्स हल करें। पुराने पेपर्स में आप नीट के पेपर्स ले सकते हैं, फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी के पेपर ले सकते हैं, क्योंकि आप सभी फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं, तो फर्स्ट ग्रेड जो पिछले एग्जामिनेशन हुए हैं उन पेपर्स को भी आप सोल्व करते हुए चलें। उन पेपर्स में भी टॉपिक वाइज टॉपिक आप क्वेश्चन देखेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन RPSA में पूछे जाते हैं। RPSA में मुख्य रूप से बेसिक क्वेश्चन और बेसिक कंसेप्ट पे क्वेश्चन आते हैं, तो आप अपने बेसिक को काफ़ी अच्छे से मजबूत करें। साथ ही आगे के बिंदु में मैं आप लोगों को ये भी कहना चाहूँगा कि आप अपना आत्मविश्वास मजबूत करें। बिल्कुल आप हमेशा पॉजिटिव सोचें, सकारात्मक सोचें, नकारात्मक विचारधारा आप अपने अंदर नए पनपने दें, किसी भी प्रकार का भय का वातावरण आप ना रखें। कभी ये नहीं सोचें कि सीटें इतनी कम है और मेरा सिलेक्शन कैसे होगा, तो ये सारे जो नकारात्मक विचार है ये आप त्याग दें। बिल्कुल आप पॉजिटिव रूप से इस चीज़ को सोचें कि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं वो बिल्कुल अच्छे ढंग से कर रहे हैं और आपका सिलेक्शन होने वाला है। बिल्कुल आप इसी दिशा में आगे बढ़ते जाएं, आप लोगों का सभी का सिलेक्शन बिल्कुल निश्चित रूप से हो जाएगा। आगे के बिंदु में मैं बात करूं तो आप लोगों को लगातार पढ़ते वक्त बीच बीच में रेस्ट भी लेना है, लगातार नहीं पढ़ते जाना है। हर एक
एक घंटे की स्टडी के बाद आप 10 मिनट रेस्ट लीजिए, और उस 10 मिनट में आप आंखें बंद करके ये सोचिए कि आपने क्या पढ़ा, उसका मनन कीजिए और उसे बार बार अपने दिमाग में घुमाइए कि आपने क्या पढ़ा और आपको उसमें से कितना याद रहा, ताकि आप लोगों को बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि आप बोर हो रहे हैं या आपको थकान आ रही है। बिल्कुल पढ़ाई में आप धीरे धीरे पढ़ते चलें और बीच में रेस्ट भी आप लें, तो आप लोगों की पढ़ाई जो है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। करंट अफेयर्स, बिल्कुल मैंने पहले भी कहा है, करंट अफेयर्स आप अखबार से पढ़ सकते हैं और क्रोनोलॉजी से पढ़ सकते हैं। तो करंट अफेयर्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप अच्छे से उसे पढ़ेंगे और करंट अफेयर एग्जामिनेशन की डेट से पहले का 8 महीने का या 6 महीने का आप लोगों को पढ़ना है। तो एग्जामिनेशन की डेट जैसे अनाउंस हो जाए उससे 6 महीने का या 8 महीने से पहले का आप करंट अफेयर भी तैयार करेंगे और इसमें रेगुलरिटी रखेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, देखिए आप लोगों के पास जो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड है, आप लोगों को इन दोनों ही पेपरों को रोज़ पढ़ना है। रोज़ आप अपने टाइम टेबल में दोनों बायोलॉजी को और जीके के पेपर को सम्मिलित कीजिए और उसके टॉपिक सम्मिलित कीजिए, और हमेशा एक टॉपिक को लेकर आपको पढ़ाई करनी है कि आप आज ये टॉपिक निपटाएंगे, चाहे वो बायोलॉजी का हो चाहे वो जीके का हो। दोनों ही पेपर आप डेली पढ़ेंगे, डेली बेसिस पर आप अगर पढ़ाई करेंगे तो आप लोगों की जो तैयारी है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। और आप देखेंगे कि जब आप थ्योरी पढ़ चुके हैं और जब एमसीक्यू आप सोल्व करने बैठे हैं तो बहुत सारे एमसीक्यू तो डायरेक्ट सोल्व हो जाएंगे, बहुत सारे 90% जो एमसीक्यू है वो डायरेक्ट सोल्व हो जाएंगे। 10% में आपको थोड़ी सी इफर्ट और लगानी पड़ेगी, थोड़ी सी मेहनत और करनी पड़ेगी, वो भी हो जाएगी। तो आप अपनी तैयारी को बिल्कुल सुचारू रूप से जारी रखें। आप सभी लोगों को मैं अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं कि आप इस तैयारी को अपने अंजाम तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।